दोस्तों, जहां एक और शिक्षक भर्ती का रिजल्ट नहीं आ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास नई नई खबरें, नए नए नियम संशोधन को लेकर नई नई खबरें आ रही हैं। यहां पर आपको बता दें दोस्तों कि अधिशिक्षकों को बोनस अंक देने पर विचार चल रहा है। ये प्रोग्राम चौधरी जी ने यहां पर बयान दिया है, स्कूल शिक्षा मंत्री। और दोस्तों, ये पीपल संवाददाता भोपाल का यहाँ पर मानना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जिन्होंने ये खबर आज प्रकाशित की है अपने अखबार में। अधिशिक्षकों ने अटकाई है नियमित टीचरों की नियुक्ति, प्रदेश के मिडिल व हाई स्कूल में अधिशिक्षक की नियुक्ति पर फिर अटकती नजर आ रही है। इसके पीछे रीजन दोस्तों काफी कुछ दिया गया है, इसके बारे में हम आपको और जानकारी देने वाले हैं। कितने शिक्षक पद खाली है, सारी जानकारी यहां पर अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए, शिक्षक संबंधी जानकारी के लिए और सरकारी नौकरी तैयारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों तक जानकारी पहुंच पाए कि आखिर नियम में क्या संशोधन होने वाले हैं। अब इसकी पूरी पड़ताल दोस्तों हम करने वाले हैं, आखिर जो ये नियम बनाए जा रहे हैं, इस नियम कब से और कैसे लागू होंगे। तो आपको दोस्तों बता दें यहाँ पर कि स्कूलों में शीघ्र ही टीचरों की पूर्ति करेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा हो चुकी है। अतिथि शिक्षकों को 15 बोनस अंक देने पर विचार हो रहा है, डॉक्टर प्रोराम चौधरी, मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग। तो दोस्तों, इस मामले को देखकर कुछ अतिथि शिक्षकों हमारे पास फोन आया था, कुछ रेगुलर टीचर्स का फोन आया था कि आखिर इस नियम का संशोधन होगा तो पुराने रूल्स पर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि 25% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को पहले दिया जा चुका है, अब अगर उसको 15 बोनस अंक देना है तो क्या ये 25 अंक हटेंगे या 15 बोनस अंक के साथ साथ 25% आरक्षण भी प्राप्त होगा। यानी कि कुल मिलाकर आपका जो एससी एसटी ओबीसी को जो 75 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, अगर 15 बोनस अंक मिलते हैं तो 60 वाले भी पास हो जाएंगे, उनको 15 मिलाएंगे तो 75 यहां पर क्रॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर बहुत बड़े यहां पर क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए दोस्तों कल दोपहर 2 बजे हमारा एक वीडियो आएगा, क्योंकि कुछ मित्र हमारे जो है लोक शिक्षा संचालनालय आज जा नहीं पाए हैं, कल जाएंगे और वहां पर शुक्रवार को भी जाने वाले हैं। तो ये सारी चीज अगर कल नहीं पता पड़ पाया तो शुक्रवार को यहां पर हमारे कुछ मित्र जो है लोक शिक्षा संचालनालय जाएंगे और वहां पर इस पूरी कार्यक्रम की नजर बनाए रखेंगे, आखिर ये क्या होने वाला है। एक बात और दोस्तों, यहां पर कि शिक्षकों के 71,000 पद खाली हैं, ये यहां पर दावा किया जा रहा है कि टोटल जो है 71,000 पद खाली हैं प्राइमरी मिडिल और हाई स्कूल शिक्षकों को मिलाकर। तो कुल मिलाकर ये बात चल रही है यहां पर कि 40,000 अगर सीट भर भी जाती हैं फिर भी 30,000 यानी 30,000 सीट अभी भी खाली रहना बाकी है। वैसे तो मुझे लग रहा है 30,000 सीट पर तो आवेदन आए हैं, यहां पर 40,000 पदों के लिए पात्रता परीक्षा करा रही है, गलत बात है, क्योंकि अभी शायद 27,000 के आसपास पदों पर ही भर्ती हुई है, तो फिर 40,000 कैसे। तो दोस्तों, ये आंकड़े कुछ हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल 80,000 के लगभग, मिडिल स्कूल 30,000 के लगभग और हाई स्कूल की संख्या 4,998 के लगभग और हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या 4,238 है। प्राथमिक स्कूलों के रिक्त पद जो है 19,000, प्राथमिक स्कूलों के लिए पात्रता परीक्षा जो ये बताई गई है 10,000, ये हमारे समझ के परे है कि प्राथमिक स्कूल के लिए कब करवा दी परीक्षा। दोस्तों, इस न्यूज पर भी हमको संशय लग रहा है कि क्या ये न्यूज सही है कि गलत है, इसको हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन हालांकि जो ये बयान दिया गया है, इस बयान को कोट किया गया है डॉक्टर प्रोराम चौधरी के नाम से, तो ये कोट तो मुझे लग रहा है कि ये सच होना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा होगा ऐसा। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आप लोगों का क्या विचार है, आपके क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और प्लीज दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अति शिक्षकों को यहां पर 15 बोनस अंक देने की बात चल रही है, प्रोराम चौधरी जी ने यहां पर बताया है। और अगर ऐसा हुआ तो 60 अंक वाले भी पास हो जाएंगे, क्योंकि 15 अंक अगर मिलाएंगे तो 75 वो क्रॉस कर जाएंगे अपना क्राइटेरिया एस सी एस टी ओबीसी वाले। और यहां पर 80 नंबर वाले भी, 75 नंबर वाले भी पास माने जाएंगे, जो कि 90 मार्क्स इनको चाहिए थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अति शिक्षकों का ये क्या ये नंबर बढ़ेंगे, क्या 25% कोटा जो दिया है आरक्षण कोटा वो हटेगा या वो साथ में रहेगा, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन वीडियो को अंत तक देखें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जहां एक और शिक्षक भर्ती का रिजल्ट नहीं आ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास नई नई खबरें, नए नए नियम संशोधन को लेकर नई नई खबरें आ रही हैं। यहां पर आपको बता दें दोस्तों कि अधिशिक्षकों को बोनस अंक देने पर विचार चल रहा है। ये प्रोराम चौधरी जी ने यहां पर बयान दिया है, स्कूल शिक्षा मंत्री। और दोस्तों, ये पीपल संवाददाता भोपाल का यहां पर मानना है, आप देख सकते हैं यहां पर जिन्होंने ये खबर आज प्रकाशित की है अपने अखबार में। अधिशिक्षकों ने अटकाई है नियमित टीचरों की नियुक्ति, प्रदेश के मिडिल व हाई स्कूल में अधिशिक्षक की नियुक्ति पर फिर अटकती नजर आ रही है। इसके पीछे रीजन दोस्तों काफी कुछ दिया गया है, इसके बारे में हम आपको और जानकारी देने वाले हैं। कितने शिक्षक पद खाली है, सारी जानकारी यहां पर अवेलेबल है। लेकिन
आखिर जो ये नियम बनाए जा रहे हैं इस नियम कब से और कैसे लागू होंगे, तो आपको दोस्तों बता दें यहाँ पर कि स्कूलों में शीघ्र ही टीचरों की पूर्ति करेंगे, उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा हो चुकी है, अतिथि शिक्षकों को 15 बोनस अंक देने पर विचार हो रहा है, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग। तो दोस्तों इस मामले को देखकर कुछ अतिथि शिक्षकों हमारे पास फोन आया था, कुछ रेगुलर टीचर्स का फोन आया था कि आखिर इस नियम का संशोधन होगा तो पुराने रूल्स पर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि 25% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को पहले दिया जा चुका है, अब अगर उसको 15 बोनस अंक देना है तो क्या ये 25 अंक हटेंगे या 15 बोनस अंक के साथ साथ 25% आरक्षण भी प्राप्त होगा, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो SC ST OBC को जो 75 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, अगर 15 बोनस अंक मिलते हैं तो 60 वाले भी पास हो जाएंगे, उनको 15 मिलाएंगे तो 75 यहां पर क्रॉस हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर बहुत बड़े यहां पर क्वेश्चन मार्क है, इसके लिए दोस्तों कल दोपहर 2 बजे हमारा एक वीडियो आएगा, क्योंकि कुछ मित्र हमारे जो है लोक शिक्षा संचालनालय आज जा नहीं पाए हैं, कल जाएंगे और वहां पर शुक्रवार को भी जाने वाले हैं, तो ये सारी चीज अगर कल नहीं पढ़ पाया तो शुक्रवार को यहां पर हमारे कुछ मित्र जो है लोक शिक्षा संचालनालय जाएंगे और वहां पर इस पूरी कार्यक्रम की नजर बनाए रखेंगे, आखिर ये क्या होने वाला है। एक बात और दोस्तों यहाँ पर कि शिक्षकों के 71,000 पद खाली हैं, ये यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि टोटल जो है 71,000 पद खाली हैं प्राइमरी मिडिल और हाई स्कूल शिक्षकों को मिलाकर, तो कुल मिलाकर ये बात चल रही है यहाँ पर कि 40,000 अगर सीट भर भी जाती हैं फिर भी 30,000 यानी 30,000 सीट अभी भी खाली रहना बाकी है। वैसे तो मुझे लग रहा है 30,000 सीट पर तो आवेदन आए हैं, यहाँ पर 40,000 पदों के लिए पात्रता परीक्षा करा रही है गलत बात है, क्योंकि अभी शायद 27,000 से 30,000 के आसपास पदों पर ही भर्ती हुई है, तो फिर 40,000 कैसे। तो दोस्तों ये आंकड़े कुछ हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल 80,000 के लगभग, मिडिल स्कूल 30,000 के लगभग और हाई स्कूल की संख्या 4,998 के लगभग और हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या 4,238 है। प्राथमिक स्कूलों के रिक्त पद जो है 19,000, प्राथमिक स्कूलों के लिए पात्रता परीक्षा जो ये बताई गई है 10,000, ये हमारे समझ के परे है कि प्राथमिक स्कूल के लिए कब करवा दी परीक्षा। दोस्तों इस न्यूज पर भी हमको संशय लग रहा है कि क्या ये न्यूज सही है कि गलत है, इसको हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हालांकि जो ये बयान दिया गया है, इस बयान को कोट किया गया है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के नाम से, तो ये कोट तो मुझे लग रहा है कि ये सच होना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा होगा ऐसा, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आप लोगों का क्या विचार है, आपके क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और प्लीज दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।